हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपन बात करते हैं, जो BSTC एग्ज़ाम फॉरम है वो शुरू हो गए 11 मई से। ठीक है, 11 मई से जो BSTC जो एग्ज़ाम फॉरम शुरू हो चुकी है, इनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेंगे। BSTC फॉरम चालू हो गया है, कितनी फीस है? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा, यार तू कुछ, ठीक है। एग्ज़ाम डेट कौन सी है, कब एग्ज़ाम होगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मात्र 30 आपके पास में जो 70 दिन है वो बचे, क्योंकि 30 जून का एग्ज़ाम, आपको कितने जून का, 30 जून का एग्ज़ाम है। इसका मतलब है अभी दिन आपके पास में ओनली फॉर, ऐसा मान लीजिए कि 30 जून, 1 महीना वो और 15 दिन ये, कुल मिला के लगभग 65 दिन बचे। कितने हैं, 65 दिन आपके पास में अभी है, ठीक है। BSTC एग्ज़ाम फॉरम है, किस प्रकार से भरना है, कितनी फीस लगेगी, क्या हम जो सामान्य श्रेणी से और संस्कृत दोनों से 1 साल लगा सकते हैं या नहीं, या हिंदी से लगाऊं या फिर संस्कृत से लगाऊं, सारी बात यहाँ पर क्लियर होगी। इसके बाद में सिलेबस कौन सा है, नया या पुराना सिलेबस, कुछ परिवर्तित हुआ है इसका सिलेबस, तो उसमें क्या पढ़े और क्या छोड़े, ठीक है, इसके अनुसार अपन बात करेंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम को लगभग सभी को पता होगा 30 जून को है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम कौन सी बोर्ड करवा रही है, बात यह यहाँ पर बसती है। एग्ज़ाम अब की बार RPSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ना करवा कर कौन करवा रहा है, कोटा ओपन करवा रहा है, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि सिलेबस किस प्रकार से सवाल पूछेगा, इनकी बात अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। ये आपकी पर्सनल ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब देखो ये PDF है कम्प्लीट, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि प्री जो BSTC है, ठीक है, जिनको अपन DLED के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये एग्जाम 2024 के अंदर होने जा रहा है। कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं और कौन कौन के विषय को आपको छोड़ना है, कितनी फीस है, क्या करना है, ठीक है, इन सभी के ऊपर डिटेल है इस वीडियो के अंदर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके देखो यहाँ पर इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले देखेंगे पात्रता क्या आपके लिए, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी और शुल्क क्या होगा, सबसे पहले ये बात देखेंगे। इसके बाद में क्या देखेंगे कि सामान्य दिशा निर्देश जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में एक चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाठ्यक्रम में क्या है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं इसकी, ये एग्ज़ाम कौन करवाएगा। सबसे पहले बात है कि पहले एग्ज़ाम करवाती थी वो बोर्ड अलग थी, अब की बार एग्ज़ाम करवा रही है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवा रही है, ठीक है, मतलब कोटा ओपन ये एग्ज़ाम करवा रही है। तो सीधी सी बात है कि एक बात का गांठ मान लीजिए, अगर कोटा एग्ज़ाम करवा रही है और पहली बार करवा रही है तो पेपर का लेवल कुछ हद से गिर सकता है। इतना ज़्यादा आप सोच रही उतना ज़्यादा हार्ड आने की संभावना नहीं है, बस आपके बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। हाँ ये जरूर है कि मेरिट जो क्रमांक है वो मेरिट में जो क्रमांक है वो नीचे गिर सकते हैं, मतलब कट ऑफ ज़्यादा छूट सकती है, ये जरूर हो सकता है। अब देखो अपन बात करते हैं एग्जाम ये करवाएगी। अब देखो कुछ बात ऐसी है कि कौन कौन फार्म भर सकते, कब से भर सकते हैं। देखो ऑनलाइन फार्म की उपलब्धता 11 मई से शुरू कर दी गई है और अंतिम जो डेट है वो 31 मई है। कौन सी है, 31 मई तक लास्ट डेट है बचा रखी है, ठीक है। इसके बाद परीक्षा की तिथि दे रखी है, वो दे रखी है 30 जून, लगभग आपके पास में लगभग आज से देखा जाए 60 दिन प्लस बच रही है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं पात्रता शैक्षणिक योग्यताएं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है। इसमें देखो पात्रता जो सामान्य कैटेगरी वो 50% होना चाहिए, ठीक है, पात्रता की बात ये कर रहा है, और बाकी जो कैटेगरी वो 45-45% वाले फॉर्म भर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, इसने लिखा है कि अगर 50% है सामान्य कैटी और 50 इनमें अगर परसेंटेज मारो सपोज 49.99 है तो वो फॉर्म में नहीं भर सकता। देखिए ये लाइन देख लीजिए आप, ठीक है, लगभग 50 दिन का समय है, ज़्यादा नहीं है आपके पास में, इनके अनुसार आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। अब देखो आप अपन आगे बात करते हैं कि फॉर्म कैसे लगाएंगे, क्या करना होगा। देखो फीस की बात कर लेते हैं, देखो अगर आप एक ही फॉर्म से सामान्य DLED मतलब या तो BSTC कौन से सामान्य से या फिर संस्कृत से किसी एक पाठ्यक्रम को चुनते हो तो सभी के 450 रुपये लगे। दूसरी बात, अगर आप दोनों सब्जेक्ट चुन रहे हैं मतलब सामान्य भी और संस्कृत भी दोनों चुन रहे फिर हैं से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का बात पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ बाद में अपन बात करते हैं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या